कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कृपया इसे सीरियसली न लें। मूवी के पहले सीन में देख सकते हैं कि पवन सिंह जहाँ पर पैर रखते हैं यहाँ पर इतनी ज्यादा धूल क्यों उड़ रही है यार, वो भी सारी की सारी धूल पीछे जा रही है, वो भी बहुत तेजी से। ये आदमी इस टेबल पे गिरने वाला है और ये टेबल बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही ये आदमी इस पर गिरता है अचानक से टेबल इस अवस्था में कैसे आ गया यार। अब इस टूटे हुए टेबल को देख कर लग रहा है कि ये सारी लकड़ियां तो ऐसे ही रखी गई थी इस पर। पवन सिंह इस आदमी को केवल एक हाथ से पकड़ के उठाए हुए हैं। अब यार आप ही बताओ क्या यह संभव है? अगर इस आदमी को 20 से पकड़ के उठाते तो ये मान सकते थे कि हाँ ये आदमी उठ सकता है, लेकिन पैर पकड़ के कैसे उठा सकते हो यार। ये आदमी और ये लड़की एक पास में खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही इस आदमी को चोट लगती है अचानक से ये लड़की ही गायब हो गई। और अगले सीन में पवन सिंह इस आदमी को अपने एक हाथ से ऊपर उठा देते हैं। अरे यार आप लोग एक ही हाथ से ऊपर उठा दे रहे हैं किसी आदमी को, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। चलिए इसकी जांच पड़ताल करते हैं। अगर इस सीन को हम जूम करके देखें तो यहाँ पर पेट पे कुछ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये क्या हो सकता है, इतना दिमाग तो आप भी लगा सकते हैं। तब तो इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं। अब यार इस मूवी के हिसाब से इस आदमी को एक हाथ से फेंका गया था, लेकिन इतनी दूर तो जाकर गिरेगा नहीं। पवन सिंह इस पुलिस वाले को मारते हैं, लेकिन जरा मारने से पहले का सीन देख लीजिए। इस पुलिस वाले को थप्पड़ लगने से पहले ही इसकी तो फट गई है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि इसे थप्पड़ अभी लगी भी नहीं है, तब भी इसका चेहरा एलियन जैसा बन गया। पवन सिंह इस आदमी को इस गाड़ी के शीशे पर दे मारते हैं और ये शीशा बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन यार अगले सीन में ये शीशा फिर से आ गया। शीशा टूटने के बाद वापस शीशा कैसे आ गया यार? ये आदमी पवन सिंह से भिड़ने आ रहा है और जैसे ही इनके पास आता है पवन सिंह इस आदमी को उठाकर यहाँ पर फेंकते हैं और ये गाड़ी के साइड से आया है आदमी, यानी इसको चोट भी लगेगी तो ये गाड़ी के साइड में ही जाएगा। लेकिन जैसे ही इस आदमी को लात लगती है अचानक से ये गाड़ी के ऊपर ही जाकर गिरता है, जबकि ये आदमी तो किसी भी एंगल से इस गाड़ी के ऊपर गिरना ही नहीं चाहिए। पवन सिंह को तीन लोग पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं और इस आदमी ने पीले कलर का गमछा अपने ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही पवन सिंह इन तीनों को झटका देते हैं अचानक से ये गमछा इनके ऊपर आ गया। लेकिन जिस हिसाब से इनको धक्का लगा था उस हिसाब से तो गमछा नीचे गिरना ही नहीं चाहिए। पवन सिंह इस रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन ये लड़की पवन सिंह को ही क्यों देख रही है यार? और ये लड़का कैमरे की तरफ देख रहा है, यानी इनको पता है कि यहाँ पर शूटिंग चल रही है। भाई शूटिंग इस प्रकार से होती है कि किसी को पता ही न चले कि यहाँ पर शूटिंग हो रही है। यानी मूवी के हिसाब से पवन सिंह किसी आदमी को गोली मार रहे हैं और ये उड़ता हुआ स्टंट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इन पर भी जूम मारते हैं और देखते हैं कि ये उड़ कैसे रहे हैं, क्योंकि आदमी तो उड़ते नहीं है। इस सीन को जूम करने पर ये पता चल रहा है कि इनके पेट पर कोई रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही है। आप भी इस सीन को देख लो, क्या आपने किसी का पेट इस शेप एंड साइज में देखा है? ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल फूला हुआ नजर आ रहा है। इन पत्तों के ढेर के अंदर से पवन सिंह बाहर निकलते हैं और इनके माथे पर एक पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है जो कि गंदी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है अचानक से पट्टी बिल्कुल साफ हो जाती है। पट्टी को देखकर लग रहा है कि ये तुरंत बांधा गया हो। एक कार और एक बाइक साथ में आ रही है और पवन सिंह अपने पैर से इस कार को लात मारते हैं और नजारा तो देखिए, ये कार गोल गोल घूमने लगती है। भाई मूवी के हिसाब से आप लोग कभी ये स्टंट ट्राई मत करना, नहीं तो क्या हालत होगी आप जानते हो खुद। कार का पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन आप जरूर गड्ढे में होंगे। अब मैं कितने सारे एग्जांपल्स दिखाऊं यार इस पर। अब थोड़ा यहाँ पर भी बैलेंस देख लीजिए। अब यार शरीर का पूरा लोड तो कमर पे होता है, लेकिन आप लोग हाथ पकड़ के कैसे उठा देते हैं किसी आदमी को, ये तो पता ही नहीं चलता, कभी हाथ कभी पैर। इस आदमी के कपड़े का कलर बिल्कुल खादी कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसी आदमी को दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो इसके कपड़े पर ये नीले कलर का कपड़ा कहाँ से आ गया है? मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। यह एक स्टंट करने वाला जैकेट है जिसे पहनाया जाता है, लेकिन भाई इसका भी ध्यान रखा जाता है कि ये मूवी में न दिखाई दे। पवन सिंह इस चाकू से जिस आदमी को मार रहे हैं वो आदमी तो पीछे है, लेकिन जैसे ही मारकर आगे आते हैं अचानक से वही आदमी इनके साइड में आ जाता है। ये कैसे हो गया यार? ये आदमी तो बिल्कुल पीछे दिखाई दे रहा है और अचानक से साइड में आ गया। अब ये मिस्टेक कुछ स्पेशल है क्योंकि ये तीनों लोग सरकते हुए आगे जा रहे हैं। और जरा ध्यान आप नीचे दीजिए इस आदमी और पवन सिंह के पैर के बीच में, जो कि इन दोनों का कोई भी संपर्क नहीं है, फिर भी पवन सिंह आगे जा रहे हैं तो ये आदमी भी आगे क्यों जा रहा है यार? वाह यार, मैं इतने दिन से मिस्टेक निकाल रहा हूँ लेकिन ऐसी मिस्टेक तो पहली बार देख रहा हूँ। जब पवन सिंह इन आदमियों को मार रहे होते हैं तो इनकी बाइक बहुत पीछे होती है और साइड में होती है, लेकिन जैसे ही इन आदमियों को मारकर आगे बढ़ते हैं अचानक से इनकी बाइक पीछे एकदम पास में आ जाती है, जबकि इसके पिछले सीन में यही बाइक काफी दूर होती है।